नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस कोरोना काल में जो भी हम नहीं देखना चाहते थे वही हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल ने हमें ये सिखाई है कि कैसे अपने ही अपनों को दगा दे जाते हैं। एक मामला दरभंगा से सामने आया है, बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाला और इमोशनल कर देने वाला है। दरअसल यहाँ पर एक शख्स की मौत होती है, वो शख्स कोरोना से संक्रमित था, उसकी मौत हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी मौत के बाद सभी रिश्तेदारों ने, सभी दोस्तों ने, सभी अपनों ने इस शख्स का साथ छोड़ दिया। बचा कौन? इसकी पत्नी। इसकी पत्नी ने तमाम रिश्तेदारों से गुहार लगाई, दोस्तों से गुहार लगाई कि इसको मुखाग्नि कौन देगा, कैसे पति की अंतिम क्रियाएं होंगी, लेकिन किसी ने उसकी कोई सुध नहीं ली। जिसके बाद जो पीड़िता थी मीना देवी, उसने खुद अपने पति को मुखाग्नि दी। पीपी किट पहनकर उसने ये जितनी भी अंतिम क्रियाएं थी उन सबको अंजाम दी। और तब तक इस महिला की आंख से एक आंसू नहीं निकला। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर से कितनी ज्यादा वो टूटी हुई थी। वो कहते हैं ना, रोने के बाद जब गम इतना बढ़ जाता है तो आंसू भी सूख जाते हैं। कुछ यही स्थिति इस महिला की भी थी। लेकिन जब इसने अपने पति को मुखाग्नि दी और उसके बाद वो वापस लौटी, तब ये अपना दर्द नहीं संभाल पाई, तब ये खुद को नहीं रोक पाई। और फिर ये इतना फफक फफक कर रोई कि हर कोई देखता रह गया। बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाली ये खबर सामने आई है दरभंगा से। और जाहिर तौर पर एक सबक लेने वाली खबर भी है कि पूरी जिंदगी हम जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन दोस्तों के लिए, जिस पैसे के लिए हम मरते हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आता। ये पूरी खबर आप देखिए और साथ ही साथ जो पीड़िता है मीना, उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। नीचे नीचे चलो दो मास जोड़ो तो भैया, दो मास जोड़ दियो पूरा हाफ एकदम बंद हो गलो मार पांच वो वाला कहां रख लो जो पहले पहले रणनीतिया ऊपर से पहले की कौन से भले ये सोती माता में पहन लीजिए। नाम क्या हुआ आपका? मीना देवी। जो मरे हैं उनका क्या नाम? हरिकांत राय जी। हरिकांत राय ऊपर में घोड़ा के ऊपर, घोड़ा के ऊपर, ऊपर में हाँ। अपने आग देने के लिए इसलिए तैयार हुई, ये लोग नहीं तैयार हुए इसलिए। पति का सेवा भर्ती नहीं आते ना सर? हाँ, तो हम देने के लिए तैयार थे, हम आग देने के लिए तैयार थे। ये लोग कब आए हैं? ये लोग आज ही आए हैं, जब मरने के बाद आए हैं लोग। हाँ, 10-11 बजे 12 बजे। कोरोना कब हुआ था इनको? इनको लगभग में 16 तारीख के गए थे अठजाम में, फिर अठजाम होता है 24 घंटा वाला, वही अठजाम में गए हैं। 16 तारीख के आते मुझे जो खुशिया थे खुशिया ले गए, वही 3-4 दिन 4-5 दिन घर में रखे हैं हमें, उसको ध्यान नहीं मिला। सब हल्ला कर दिया, कोरोना हो गया, कोरोना गया, इसको हुआ भेजे हुआ, ओसरा भेजिए ओसरा भेजिए, तो रोसरा हम लेके चले गए अकेले। हमको साथ कोई नहीं दिया, इन लोग तीनों में से कोई नहीं, दूसरा लेकर अपने अकेले गए गाड़ी से, सरकारी गाड़ी से। दरभंगा कब भर्ती कराए इनको? ये तो कल लेके आए सर। और यही आज आज मौत हो गई इनकी? भोर आज रात ही में मौत हो गया सर, रात ही में दूसरा से लेके आए हैं। रात से लगातार सब वहीं हैं? हाँ, रात ही से हम अकेले हैं सर लेके इसको, हम ये लोग से आज आए हैं, रात से सब अकेले हैं। 3 दिन से हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में 3 दिन से अकेले थे हम इसको लेके, और फिर कल हम अकेले गाड़ी पर लेके, सरकारी गाड़ी से लेके आए हैं।